कंबाइंड स्वरूप शिव शक्ति के दूसरे दिन आपका स्वागत है। आज हम बुद्धिवान बलवान पर ध्यान एकाग्र करेंगे। उच्चतम शक्ति जिसकी बुद्धि परम है, बुद्धिवान बलवान दूरांदेशी है, वह संगम युग पर खड़ा होकर समय चक्र के भूत वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देखता है। वह त्रिकालदर्शी है, समय के तीनों पहलुओं को जानता है। बुद्धिवान बलवान के पास उच्चतम शक्ति है। वह समय चक्र की घटनाओं के क्रम को यथार्थता से बतलाते हैं। बुद्धिवान बलवान व्यापक और गहरा है। वह बुद्धिवानों की बुद्धि है। वह संसार रूपी ड्रामा के इतिहास और भूगोल के आदि मध्य अंत पर प्रकाश डालते हैं। बुद्धिवान बलवान में बुनियादी शक्ति है। वे त्रिमूर्ति में ऊपर स्थित होते हैं और स्थापना पालना और परिवर्तन का दिव्य कर्तव्य करते हैं। परमात्मा स्वर्णिम दुनिया को अस्तित्व में वर्षे के रूप में देते हैं। बुद्धिवान बलवान बेहद है। भगवान की क्षमता असीम है। भगवान के गुण परिपूर्ण है। जिस प्रकार एक पिता बच्चे से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस निराकार झाड़ के बीज के रूप में परमात्मा भी प्रत्येक आत्मा से जुड़े हैं। बुद्धिवान बलवान की पहुंच दूर तक है। उसका प्रेम और प्रकाश निराकारी दुनिया से लेकर फरिश्तों की दुनिया और साकार दुनिया तक तीनों लोकों में पहुंचता है। बाप दादा के कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा हमें दिव्य बुद्धि का उपहार देते हैं और बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए कहते हैं। स्वदर्शन चक्र फेराओ और पांच स्वरूपों का अनुभव करो। अब बाप दादा के ड्रिल के सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में अनुभव करें कि स्रोत शिव बाबा से शक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। समय चक्र के चारों भागों से गुजरते हुए शक्ति के प्रवाह के आने से आत्मा की चेतना में बदलाव का अनुभव करें। स्मृतियों के संचार का अनुभव करें। अभिप्राय को याद रखिए। वास्तविकता का अनुभव कीजिए। Ciao, ti, Windows.
पहुंचले देवता स्वरूप में, पहुंचले चले गए देवता रूप में। चलते फिरते की एक्सरसाइज
ओके 1 2 3 एक्सरसाइज थ्री। अभी अंत में भी आप दादा मन की एक्सरसाइज कर जैसी स्थूल एक्सरसाइज से चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, चाहिए 5 सेकंड। कभी भी निकाल सकते हो या नहीं, 5 सेकंड। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? हाँ तो लाओ। Jump
पसंद करती है ना, तो पहले जमाने में भाव शेर और मन होता था, आजकल बदल गए तो मन को मार बना दे पहुंच वाला, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए। अभ्यास हो जाएगा।